सो हे नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ WhatsApp पे जो स्टेटस रखे जाते हैं इसकी प्राइवेसी सेटिंग के बारे में। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो WhatsApp पर हमेशा अलग अलग स्टेटस रखते हैं तो उसकी प्राइवेसी सेटिंग के बारे में आप सभी को जानना ज़रूरी है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो WhatsApp पर स्टेटस तो रखते हैं लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारा वो स्टेटस को कोई और व्यक्ति देखे, तो आप उसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को WhatsApp की इसी प्राइवेसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए रहेंगे और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आता रहेगा तो हमारे चैनल को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आप WhatsApp की इस प्राइवेसी सेटिंग को कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप उनमें से एक हैं जो WhatsApp पर स्टेटस अपलोड करना आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं WhatsApp पर जो स्टेटस अपलोड कर रहा हूँ ये स्टेटस मुझे आशीष को नहीं दिखाना है बल्कि ये स्टेटस मेरे फ्रेंड अजय को ही दिखाना है, तो अभी ये भी पॉसिबल हो चुका है इसके ऊपर। बस इसके लिए आप सभी को एक छोटी सी सेटिंग करनी है। तो आइए आप दिखा देता हूँ मैं आप सभी को आखिर वो कौन सी सेटिंग है जिसकी मदद से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपने WhatsApp में लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद यहां पर जो स्टेटस का बटन दिख रहा है आप सभी को इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहां पर जो आपको तीन डॉट का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आप सभी को सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर पहले नंबर पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है स्टेटस प्राइवेसी का, इसके ऊपर आप सभी को जस्ट क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने नोटिस किया रहेगा मोस्ट ऑफ केसेस में यहीं पर ये रहता है माय कॉन्टैक्ट्स। इसका मतलब है ये कि अगर आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव हैं ये सारे के सारे स्टेटस जो भी आपने अभी रखा है आपके जितने भी नंबर से हैं उन सारे लोगों को ये दिखेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सारे लोगों को ये स्टेटस नहीं दिखाना चाहता हूँ तो इसके लिए आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस भी दी गई हैं जिसके बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप दूसरे नंबर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाने मिल सकते हैं, यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है इसका नंबर है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, मतलब इसके अलावा भी आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। और जो तीसरे नंबर पर है ये ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन दिया गया है, यहाँ पर आप सभी जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप सभी को नाम दिख जाएगा। और ये नाम का मतलब है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं स्टेटस जो अपलोड कर रहा हूँ मुझे सिर्फ यही लोगों को दिखाना है तो इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी चाहता हूँ कि मुझे ये स्टेटस किसी को भी नहीं दिखाना है तो जल्दी से मैं इसे फटाफट अनटिक कर देता हूँ। अभी देखिए मैंने यहाँ पर अनटिक कर दिया हूँ, यहाँ पर आप सभी को ऑप्शंस मिल जाता है टिक और अनटिक करने का। जैसे अगर आपको लगता है कि मुझे ये सारे लोगों को स्टेटस दिखाना है तो इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक कर सकते हैं तो ये जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं आपके सारे लोगों को दिख जाएंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे एक ही बंदे को यह स्टेटस नहीं दिखाना है तो इसके लिए आप यहाँ पर नाम उनका सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जैसे कि आशीष भाई कॉन्टैक्ट आ चुका है, इसके ऊपर मुझे अभी स्टेटस को अपने दिखाना नहीं है तो इसके ऊपर सिर्फ अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने अगर यहाँ से वो डन कर देना है। डन करने के बाद अगर आप यहाँ से कोई भी स्टेटस रखेंगे तो सामने वाले व्यक्ति का जिसने आपने यहाँ से अनटिक किया है उसे स्टेटस आपका कभी भी नहीं दिखेगा। इस तरह से आप इस सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई रहेगी और ये वीडियो से आपने कुछ नया ज़रूर सीखा रहेगा। तो दोस्तों, मेरा यही मकसद है कि मैं आप सभी की लाइफ में कुछ वैल्यू को ऐड कर सकूं, इसीलिए मैं आप सभी के लिए ऐसी स्मॉल्स वीडियोस लाते रहता हूं जो आप सभी के लिए कुछ हेल्पफुल रहती है। और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए रहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नई वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता करूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अलविदा।